इतना सारा दिन मुझे नोट करते हो, मेरे बारे में बातें करते हो, मैं कोई स्टार हूँ, कोई सेलिब्रिटी हूँ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में बिल्कुल मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया, पिछला व्लॉग देख लेना, अबाउट डॉम के बारे में था। तो आज जुम्मा है, हमने शलवार कमीज़ भी पहनी हुई है और अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। तो अभी आपको सीन दिखाते हैं, वो खुई मेरा वेट कर रहा है, दोनों बाइकें हमारी रेडी हैं, तो अभी निकलते हैं नमाज के लिए। अस भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हम किधर जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से। आ जाओ, वो दोनों नहीं जा रहे यार। हम निकल पड़े हैं जुमा पढ़ने के लिए, और जो सिटी वाली मस्जिद में है, जो सिटी वाली मस्जिद है, उसमें हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं। तो इरशाद भाई, आर यू एक्साइटेड? पहली दफ़ा जा रहे हो? मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। वैसे हमारे मतलब डॉम में ही मस्जिद है, तो वहाँ पर हम जुमा पढ़ते हैं। तो मैं भी आज पहली दफ़ा ही मतलब मस्जिद जा रहा हूँ, तो बंदा हर हफ्ते डेली नहीं जा सकता ना। तो जब आपके डॉम में ही अलाउ होता है मस्जिद, तो आप वहाँ पे पढ़ लिया करो, वो भी तो जुम्मा ही होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े मस्जिद में जाके पढ़ो, क्योंकि दूर होता है ना पढ़ने के लिए। ये पाकिस्तान जुम्मा पढ़ने के लिए जमात की ज़रूरत होती है, और जमात हमारे डॉम में भी होती है। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आपके घर के पास ही मस्जिद होगी, तो यहाँ दूर जाना पड़ता है। आज हम फ्री हैं, वैसे क्लासेज होती हैं इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता, तो आज हम फ्री हैं इसलिए हम जा रहे हैं मस्जिद। So we are going, view check करो फिलहाल। यहाँ पे जो दूसरी रेड वाली बाइक है ना, उसमें चार्ज कम है, तो अभी हम सिटी तक तो नहीं जा सकते, सिटी थोड़ा सा दूर है। तो अभी हम जा रहे हैं लौजिया। आप कोई लौजिया बता ना, लौजिया क्या है? लौजिया क्या है समझो विजिटिंग प्लेस ही है, मजे घूमने फिरने की जगह है यहाँ पे। लौजिया लेकिन वो होती है रात को, इस वक्त तो नहीं होती है। बस वैसे ही दिखा देना कैसी होती, बाकी तो लाइटिंग शाइटिंग किसी दिन लौजिया पे भी व्लॉग बनाएंगे, लौजिया घूमने जाएंगे। तो अभी लौजिया नज़दीक है, तो उधर जा रहे हैं हम, क्योंकि बाइक की जो दूसरी बाइक है रेड वाली, उसमें चार्ज कम है। तो अभी लौजिया वाली मस्जिद जा रहे हैं। इस सिटी में काफ़ी मस्जिद है, दो तीन है। और रात को मैंने वीडियोस देखी है, रात को बड़ा अच्छा सीन होता है। मैं कभी आया नहीं हूँ रात को, बट अच्छा सीन होता है। तो किसी दिन आएंगे इंशाल्लाह, व्लॉग बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मुबशर पुत्र, मज़ा ही आ गया। हम पहुंच चुके हैं फुल गर्मी में मस्जिद, और तपती धूप में पता नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है पाकिस्तान में। पहली दफ़ा मैंने इधर देखी है धूप, वो भी तपती हुई कायान में। चलो जिंदाबाद मुबशर पुत्र, मज़ा ही आ गया। जिंदाबाद पुत्र, मज़ा ही आ गया। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, ये सामने हमारी मस्जिद है, और देखते हैं कि जमात किस टाइम होनी है। वो तो नहीं चुकी होगी, शायद 1:30 या 1:40 या जितने बजे भी जमात है, तो जमात फिर पढ़ते हैं। ये चार्जिंग बिल गा लें, कोई तूने वजू नहीं किया है? लेकिन फिर भी एहतियात है। इस बंदे ने अभी तक वजू नहीं किया। यार नमाज वगैरह हमने पढ़ ली है, और मस्जिद में यार इतना कोई रश नहीं था, थोड़े बहुत ही लोग थे, क्योंकि इधर मुस्लिम्स अब पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना कि मस्जिद भरे हुए होते हैं जुम्मे वाले दिन। खैर मस्जिद खाली थी, लेकिन नमाज वगैरह हमने पढ़ लिया है। तो अभी वो कोई लोग बाइक वगैरह निकालते हैं, फिर हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, 4:00 हमारी क्लास है, तो क्लास भी लेनी है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। कोई बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है, कोई बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है, बारिश ही हो जाए, क्योंकि तूने आज नमाज पढ़ी है ना, इसलिए बारिश होगी। अच्छी बात है। यार हमारी बड़ी इज्जत है चाइना में, है पूरे सेलिब्रिटी
बन जाती है। अभी दो चाइनीज जा रहे थे बाइक पे, उन्होंने दूर से हेलो किया, वो वापस मुड़ गया, उन्होंने पूछा किधर से हो, हम तीनों से हो, थोड़ी बहुत बात की। भाई हम सेलिब्रिटी हैं यहाँ पे चाइना में, पाकिस्तान में हमारी इज्जत नहीं है, यहाँ पे हम सेलिब्रिटी। बैटरी खत्म हो गई। तो नमाज वगैरह पढ़ के आ चुके हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 4 बजे हमारी क्लास और हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल चेक करो। लेकिन गर्मी फिर भी है, रंग उड़ जाएगा, रंग हम काले हो जाएंगे। ये ले चाबी, अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और देन उसके बाद 4 बजे हमारी क्लास है, तो फिर मिलते हैं बाद में। फिलहाल हालत बड़ी टाइट है यार जी। रेस्ट वगैरह हमने कर लिया, अब हम जा रहे हैं क्लास। 4 बजे का टाइम हो गया। ये हुई जनजेब रेडी हो चुका है और हमारा रेड शर्ट वाला जगदेव, इसने फिर ये शर्ट क्यों पहनी है यार? शर्ट है, शर्ट नहीं है। नहीं, ये शर्ट इसने दोबारा क्यों पहन लिया? ये कह रहा है कि तुम लोगों को ड्रेसिंग सेंस का नहीं पता। तुम लोग आए उधर पिंडो से, मैं आया हूँ कराची से, फेंटा वेंटा वाले इलाके से, तुम उधर पता। तो यार अभी हम जा रहे हैं क्लास, 4 बजे का टाइम है, 4 मौशी की क्लास है और चाइनीज की, तो अभी पहुँचते हैं क्लास। ये मिसली है, इंचार्ज है हमारे हॉस्पिटल इंचार्ज, वो कह रहा है मैंने उसके साथ मैचिंग की है। ओ गाड़ी मो सुजान की क्या था जनदेव? सारा दिन मुझे नोट करते हो, मेरे बारे में बातें करते हो, मैं कोई स्टार हूं, कोई सेलिब्रिटी हूं? डन आवर क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह से, हमारी अटेंडेंस अब थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है। सारी क्लासेस अच्छी है, चाइनीज की हमारी पहले से ही अच्छी है, बाकी क्लासेस एक दो जो कम है अटेंडेंस थोड़ी बहुत, वो भी इंशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सेट करते हैं। यार अभी हम जा रहे हैं, ये एलन ने हमें क्या काम बताया है, हमारा जो काउंसलर है एलन, उसने क्या बोला है? उसने हमें कोई वो एक पेज दिया है फिल करके जी, हमें वापस तो उसमें पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर नहीं है हमारे पास। वो फिर तेरा नाम एलन नहीं, हमारे काउंसलर का नाम भी एलन है। तो यार अभी वो ये इसका काम करने जा रहे हैं, इसके पास पिक्चर नहीं है, तो अभी वो काम करते हैं। फिलहाल व्यू चेक करो, 4-5 बजे का टाइम है, 5-6 बजे का टाइम है और बड़ा ही प्यारा व्यू है। यार चेक करो कितनी रौनक है हमारे ग्राउंड में, जब वर्किंग डे और नजदीक कर ले। अभी हमारी यूनिवर्सिटी एक्सीडेंट हो गया भाई। ये हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड बहुत ही ज्यादा रौनक है और वर्किंग डे में बहुत ज्यादा रौनक होती है। अभी माशाओ की टांग लगी है। माशाओ मेरा चाइनीज है। किसी को पता ही नहीं है, बता दिया यार, शुक्र है। तेरे 1 मिलियन पता चल जाए ना, अब 1 मिलियन व्यूज आएंगे। टीचर वाला यार ये यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से फॉर्म वगैरह इसका खुल कर निकलवाते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी में शॉप और माहौल चेक करो। फिलहाल कोई कौन सा फॉर्म है तेरा? मेरा पता नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पिक्चर है आई थिंक। कोई अभी तेरी तस्वीर निकालेगी यारा जी, कोई की तस्वीरें निकल चुकी हैं और अभी हम जा रहे हैं डॉम की तरफ, वहां से चेंज वगैरह करते हैं, फिर हम जिम की तैयारी पकड़ेंगे और जिम से पहले क्या खेलेंगे, थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेलते हैं। तो दिखाते हैं अपना यूनिवर्सिटी का जिमनेजियम
जिमनेजियम मैंने शायद नहीं दिखाया अपनी यूनिवर्सिटी के व्लॉग में भी, तो आपको दिखाते हैं। ये लोग डेली जाते रहते हैं, हम तो जिम चले जाते हैं, तो आज हमने कहा कि थोड़ा बहुत हम खेल के फिर हम जिम जाएंगे। तो अभी पहुंचते हैं डॉम। बोल फिरोज आपका क्या है? ओके गाइस तो अभी हम आ चुके हैं डॉम, ऊपर जाके चेंज करते हैं। हमारी ज़िंदगी में रेस्ट लिखा हुआ भी नहीं है, सुबह से हम जलील हो रहे हैं, क्लासे ले रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं और व्लॉगे बना रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में लिखी है। अभी ऊपर चलते हैं और चेंज वगैरह करते हैं, देन उसके बाद चलते हैं बैडमिंटन वाली साइड। यार गाइस अभी हम आ चुके हैं बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट। यहाँ पे मैं पहली दफ़ा आया हूँ यार, मैं कभी आया नहीं, इतना टाइम हो गया मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं देखी। दाऊद साहब मेरे साथ खेलेंगे बैडमिंटन? एब्सोल्युटली नॉट। यार अभी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत ही खेलेंगे फिर हम जिम चलेंगे। यार बैडमिंटन हमारी हो गई है, कितने टाइम खेली है? 10-20 मिनट ही खेली है, आधा घंटा खेला होगा। अभी हम बाहर निकल आए हैं क्योंकि जिम का टाइम हो गया, अगर ज़्यादा थक गए तो फिर जिम नहीं लगेगी। और कोई मज़ा आया? जमजेर की गेम अच्छी है ना, उसकी वो ग्लासेस भी नहीं लगाता, उसकी आई साइड भी वीक है, लेकिन फिर भी वो अच्छी खेलता है बहुत ज़्यादा। मैम तो पता नहीं कब खेली है, अब तो वही आए हैं बस चस्के लेने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जय जी एंड बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू डॉक्टर फिरोज़।